फ्रेंड्स नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज हम अपनी रसोई में बनाने जा रहे हैं बच्चों और बड़ों सबकी फेवरेट मैगी नूडल्स, जो कि 2 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। लेकिन आज हम इसे 5 मिनट में बनाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो इस मैगी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, आइए चल के हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले मैगी चाहिए, जिस 2-3 पैकेट मैगी है, 5 रुपए वाली 4 पैकेट मैगी, और प्याज को हमने बारीक काट लिया है, 2 प्याज छोटी छोटी 2 प्याज को हमने बारीक काट लिया। 1 टमाटर को भी हमने छोटे छोटे स्लाइसेस में काट कट कर लिया है, और ये फ्रोज़न मटर है इसको भी हमने दे दिया है। अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मटर्स मतलब वेजिटेबल्स वगैरह, ये मैगी का मसाला है जो मैगी के साथ में मिलता है। ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जीरा, नमक और तेल। अब इन सभी चीज़ों के साथ हम मैगी को बनाना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। सॉरी जल नहीं रही है, तो हमने गैस को जला दी है। मैंने बर्तन रखा है और 1 लोटा पानी मतलब कि 2 गिलास इसी लोटे से। अब हम इस पानी को खौलाएंगे, थोड़ा सा गर्म हो जाए, भाप निकलने लगे, तब हम इसमें मैगी डालेंगे। तो गर्म कर लेते हैं इसको हम पहले। अब हमारा पानी गर्म हो गया है, हम इसमें मैगी को डाल देंगे। मैगी के साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक किनारे से डालेंगे। हल्दी और थोड़ा सा तेल, ताकि मैगी हमारी आपस में चिपके ना। और इसको हम थोड़ी देर कुक होने देते हैं, ढक दें। अभी 2 मिनट में ये मैगी कुक हो जाएगी, तब इसका हम आगे का प्रोसेस करेंगे जो कि मेन है। अब हमारी मैगी अच्छी तरह से कुक हो गई है, देख लीजिए। अब हम इसको बंद कर देंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और जब ये पैन हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल हम डालेंगे तब इसमें हम और मसाले डालेंगे, हल्का हल्का गर्म हो गया है। अब इसमें हम सबसे पहले जीरा डालेंगे, आवाज़ आ रही है, इग्नोर कीजिएगा, ध्यान इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि घर है, कोई ना कोई आया जाया करता है। तो जब तक हमारा जीरा चटकेगा, जीरा जब चटकने लगे तब इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च को मैंने खड़ी खड़ी काटा है ताकि इसका तीखापन इसमें आ जाए और बच्चे इसको बाहर भी निकाल सकें, क्योंकि अगर दांत के नीचे पड़ जाती है तो बच्चे बहुत रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं। मेरी बिटिया तो ऐसे ही करती है,
आप चाहें इसे छोटा छोटा कट कर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 बारीक कटी हुई प्याज, प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए और गट्टी हो जाए, थोड़ा सा गल जाए, 1 मिनट तक इसको थोड़ी देर। अब इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ टमाटर, ये मटर के दाने, नमक तो हमने पानी में भी डाला था, अब थोड़ा सा सब्जियों में भी डाल देते हैं, थोड़ा सा एकदम, मतलब हिसाब से कि नमक ज़्यादा ना होने पाए इस बात का ध्यान रखें, तब ज़रा सा डालेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से नरम हो जाए, गल जाए। इसको बराबर चलाते हुए थोड़ी देर नरम होने तक इसको हम चलाएंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, तो सब्जियाँ आपस में मिल जाती हैं ना तो बहुत ही सुंदर व्यंजन पैदा करती हैं। इसी तरह से हमें भी अपने परिवार में घुल मिल के रहना चाहिए, जब हम सब लोग साथ मिल के रहेंगे तो इसी तरह से हमारा परिवार भी सुंदर लगेगा, बहुत ही अच्छी सी भिनी भिनी खुशबू आ रही है। और ये थोड़े से नरम हो जाएंगी जब ये वेजिटेबल्स, तब इसमें हम सिंपल वही मैगी का मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी देर पका देंगे ताकि मसाला सब्जियों में अच्छे से मिल जाए। उसके बाद मैगी को डाल के थोड़ी देर उसको भी चला देना है ताकि मसाले अच्छे से मैगी में लिपट जाएँ, मिल जाएँ। आप सब लोगों ने मैं बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मदद की है, आशा करती हूँ ऐसे आप लोग हमारी मदद करते रहेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करते रहेंगे। और हाँ, अगर आपने पहली बार अभी मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जो बेल वाली घंटी होती है ना उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जो नई वीडियो में डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे मसालों में। इसमें हम 2 चम्मच के करीब पानी डालेंगे ताकि बस 2 चम्मच ताकि हमारे मसाले जले ना। अब हम इसमें डाल देंगे ये मैगी, आराम से मिलाते हुए। देखिए हमारी मैगी बिल्कुल आपस में चिपकी नहीं है, अगर आप उबालते समय जब इसको छानेंगे ना तो इसमें तुरंत पानी डाल के इसको घुल दीजिए तो मैगी कभी चिपकेगी नहीं आपस में। और अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए सब्जियों में। एक बार इस तरह से बनाइए मैगी, सारे बच्चे खुश हो जाएंगे, सारे मतलब जितने हैं आपके 1-2 घर वाले सब खुश हो जाएंगे, सब खुशी खुशी मैगी खाएंगे और आपकी तारीफ करेंगे। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। बस लीजिए, बनकर तैयार है आपकी स्वादिष्ट 5 मिनट में मैगी। अब इसको हम एक सर्विंग बाउल में सिप कर लेंगे।